उसका स्वाद भी बहुत ही बढ़िया आएगा। तो ये लीजिए, हालांकि मुझे चम्मच नहीं देनी चाहिए, आपको ऐसे ही पीना ऐसे चाहिए, पीना चाहिए। पर फिर भी मैं आपको चम्मच दे रहा हूँ बिकॉज यू आर ए सोफिस्टिकेटेड वुमन। हेलो एवरीवन, फर्स्ट इंडिया प्लस अदावर्ती का शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, इतने सारे तरीके के रायते सीखने, जानने और समझने को मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और समीर सर के साथ तो वैसे भी मुझे ना एक के साथ चार चीज़ें एक्स्ट्रा सीखने को मिलती हैं, और क्योंकि एपिसोड का ड्यूरेशन बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए कभी हम समीर जी के संग एक लंबी चर्चा करेंगे इन सब बातों पर। तो लेकिन हाल फिलहाल अब एक चम्मच दही का रायता, भाई सुना है क्या आपने? एक चम्मच दही में रायता बन जाएगा, और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आप ही खाएंगी, आप भी खा लेंगी और बाकी सबको भी खिला पाएंगी। कैसे होगा ये जादू? तो चलिए ये जादू वाला रायता यानी एक चम्मच वाला रायता सिखाएंगे हमें शेफ समीर गुप्ता जी। तो सबसे पहले स्वागत करेंगे समीर गुप्ता जी का। तो समीर सर, फर्स्ट इंडिया प्लस अदावर्ती का शो में स्वागत है आपका, और बड़ा अच्छा लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है, और रायते की स्पेशल सीरीज चल रही है, और इस सीरीज में सर आपने जान भी डाल दी है। अरे क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें नई और सीखने को मिल जाती हैं, बहुत सारे स्पाइसेस और समझने और जानने को मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, अभी आपने कहा कि एक चम्मच दही में आप जादू क्रिएट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पक्का बिल्कुल। आपने बहुत सारे दही का या छाछ का रायता तो आपने देख ही लिया अभी, सिर्फ एक चम्मच दही से कैसे रायता बन सकता है वो अभी हम देखेंगे। और ये रायता वाकई बहुत स्वाद वाला होता है, और हमारे भोजन मनीषियों ने इसका जब इजाद किया तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि आज इस तरह से शो पर आएगा। बिल्कुल समीर जी, लेकिन मुझे पता है कि आपके पास तो इतना खजाना है, और आप पुरानी इतनी सारी डेप्थ में चीज़ों को ऑथेंटिकली जानते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। शुरू करते हैं जी। तो वर्तिका जी, ये जो हम बनाने जा रहे हैं, इसके अंदर मेन जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है गन्ने का रस। अरे वाह। तो हम इसमें थोड़ा सा गन्ने का रस हमारे बोल में डालेंगे, करीब मैं आधा कप गन्ने का रस इसमें डाल रहा हूँ। ठीक है। और इसमें मैं आधा कप ही पानी भी मिला रहा हूँ। आधा कप गन्ने का रस और आधा कप पानी। पानी तो हमने आधा गन्ने का रस और आधा इसमें पानी मिला दिया, और इसके बाद हम इसमें मिला रहे हैं थोड़े से मसाले। मसालों के नाम पे हम मिला रहे हैं इसमें थोड़ा सा काला नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, ठीक है, थोड़ी सी लाल मिर्ची, जितना भी आप खा सकते हैं उतना, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल आधा चम्मच लाल मिर्च मिलाई है। थोड़ा सा इसमें मिलाएंगे हम सूखा हुआ पुदीना। सूखा पुदीना ये मिला दिया, ठीक है। और इसका जो मैं आपको बता रहा था, एक चम्मच दही में मेरे पास एक चम्मच फेंटा हुआ दही है, वो भी हम इसमें मिला रहे हैं। अच्छा जी। इसके बाद हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और चूंकि ये पीने वाला रायता है और खूब सारा पिया जाता है, गर्मी में लू नहीं लगने देता है, पेट को ठंडक देता है। अच्छा। ये मिलाने के बाद हम इसमें एक और चीज़ करेंगे। दो चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं आइदर और। पहला तो चीज़ है कि हमने ये राई, सौंफ और नमक का पाउडर बना करके रखा है, इससे है? जो है इसमें कांजी जैसा फ्लेवर आ जाएगा। अरे तो या तो आप इसमें ये डाल दें, और या फिर आप जो पीली सरसों होती है उसको पानी में भिगो करके और नमक और नींबू के साथ में पीस के ऐसे चटनी बना लें। अच्छा। तो जब आप सौंफ और राई के साथ बनाते हैं तो उसको एक दो घंटे छोड़ना पड़ता है, लेकिन जब ये वाली चटनी आपके पास तैयार होती है फ्रिज में, जिसमें कि पीली सरसों यानी पीली राई है हमारी, थोड़ी सी काली लाई है, नींबू का रस और नमक के पानी में भिगो के उसको हमने पीस लिया, और ये हमारा एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो गया। अगर हम इसमें पीली जो राई है, सरसों है, वो अगर आधा बोल लेते हैं तो हम काली वाली राई कितनी लें? एक चम्मच। एक चम्मच कितनी, और उसको कितनी देर भिगोना है हमें? आप नींबू का रस भी डाल दें थोड़ा सा, दो तीन चम्मच नींबू का रस और 1/4 कप पानी में डाल के उसको भिगो दीजिए। जब वो एक दो घंटे भीग जाए तब अच्छा। उसका पेस्ट बना लीजिए। और उस पेस्ट में हमें कुछ मिलाना है? बस उसमें सिर्फ आपको नमक मिलाना है, और नींबू से खटास तो उसमें आएगी और सरसों अपने आप फूटेगी, तो उसका एक बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा। तो ये चटनी बहुत चीज़ों में आप काम में ले सकते हैं, और रेडीली अवेलेबल बंगाली मार्केट में कासुंदी के नाम से भी मिलती है, आप वो भी ले सकते हैं और अपने घर पर भी बना सकते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन चटनी कासुंदी, क्योंकि मैंने आते ही इस चटनी को सबसे पहले टेस्ट किया था और मुझे इतनी अच्छी लगी ना ये, मुझे तो देखते ही ख्याल आया कि हम कभी भी कोई सैलेड्स बनाते हैं कचुमा टाइप से कुछ में उसमें कोट कर सकते हैं, क्योंकि हेल्दी है। हेल्दी है बिल्कुल, सरसों है इसके अंदर, सो नेचुरल ऑयल कंटेंट्स है इसमें, और फर्मेंटेशन हुई भी है। फर्मेंटेशन हुआ और फर्मेंटेड फूड, यू नो इट्स वेरी हेल्दी। बिल्कुल। तो हम इसमें एक चम्मच मिलाएंगे, इसमें एक चम्मच हम ये हमने थोड़ा सा डाल दिया, अपने स्वाद अनुसार आप डाल दीजिए और इसको कर दीजिए आप अच्छे से मिक्स। ये पानी आपका तैयार हो गया, और इसमें आप
तीन चार चीज़ों के साथ बना सकते हैं। बेसन की पकौड़ी डाल सकते हैं, जयपुर में बेसन के झर वाले भुजिया मिलते हैं वो डाल सकते हैं, नमकीन टनाटन भुजिया डाल सकते हैं जो मेरा बहुत फेवरेट है, और अभी मैं डाल रहा हूँ ओरिजिनल इसके अंदर हमारी मसालेदार बूंदी या प्लेन बूंदी, और इसको आप मिक्स कर लें। और बिलीव मी, इसमें जो राई की चटनी का जो फ्लेवर है, गन्ने के रस की जो मिठास है, और ये सब चीज़ें हैं बहुत अच्छी हैं। और सबसे लास्ट में आप इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा नींबू का रस। क्या बात है समीर जी। दैट्स इट। और ये रायता हमारा तैयार हो गया, पानी वाला रायता, एक चम्मच दही में बना हुआ। दही इसलिए कि दही इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा एक अलग तरह का जो फील है वो आपको देगा। हाँ, बहुत ही अच्छी समीर जी, खुशबू आ रही है, मतलब क्या कॉम्बिनेशन है। गन्ने का रस, थोड़ा सा पानी, उसमें एक चम्मच दही, साथ में नींबू डाला है, और जो आपने वो चटनी बनाई है, ओ माय गॉड, मतलब शानदार। लाइए तो अब आप इसको चखिए। ये देखिए पानी वाला रायता, और इसको कोशिश करें कि आप मिट्टी के बर्तनों में ही दें, तो एक तो इसकी ठंडक बनी रहेगी और इसका स्वाद भी बहुत ही बढ़िया आएगा। तो ये लीजिए, हालांकि मुझे चम्मच नहीं देनी चाहिए, आपको ऐसे ही पीना चाहिए, पर फिर भी मैं आपको चम्मच दे रहा हूँ, बिकॉज यू आर ए सोफिस्टिकेटेड वुमन। ऐसी बात नहीं है, देखो जब मौका मिलेगा ना अकेले में तो मैं इसको पी भी लूंगी। तो चलिए इसको टेस्ट किया जाए। वाव, बहुत ही शानदार। मसाले वाली बूंदी ने एक अलग ही ट्विस्ट क्रिएट किया, मतलब ये अगर एक चम्मच दही वाला रायता यानी कि पानी वाला रायता ही बोल सकते हैं, अगर आपने किसी को भी सर्व किया दोने में या फिर इस तरीके से मिट्टी के कुल्लड़ में, तो वो पता ही नहीं पाएगा कि ये किस तरीके से बनाया गया है। इतना मैजिकल क्रिएट हो गया है और खाते ही इतना मज़ा आ रहा है। तो ये रायता तो भाई एक सीक्रेटिव रायता भी हो गया, कितने नाम निकल गए हैं इसके। तो चलिए आप सबके लिए समीर जी की तरफ से फैंटास्टिक रेसिपी। समीर सर, थैंक यू सो मच, इतना मज़ा आ रहा है ना, मतलब मुझे इस तरह के रायते सीखने में और कुछ कुछ डिफरेंट। और ये रायता वैसे अमूमन बनता है घरों में बूंदी का पानी वाला, बट ये तरीका ऑथेंटिक कोई जानता ही नहीं है। बूंदी का रायता जब बनता है घरों में पानी वाला, तो खाली उसमें जलजीरा जैसे मसाले डाल दिए जाते हैं, बिल्कुल, लेकिन गन्ने का रस और एक चम्मच दही और जो सरसों का पाउडर या पेस्ट बना के जो हमने रखा है, उससे इसमें एक अलग ही तरह का वो आ गया है। क्योंकि जो फर्मेंटेशन डेवलप होता है, फर्मेंटेशन से ये आपके पेट के लिए, आपके गट्स के लिए बहुत ही बढ़िया रहा है। समीर जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।